डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। सरोपुर थाना इलाके के पांचली में गौशाला पर बदमाशों ने देर रात हमला कर एक गौ सेवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे को मरा समझकर छोड़ गए। गोली लगने से घायल दूसरे गौ सेवक को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। गौशाला पर उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। मारे गए नेत्रपाल के भाई चरण सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग के बीच भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। SSP प्रभाकर चौधरी स्वयं मौके पर पहुंच गए, छानबीन जारी है। गौशाला पर हमले की यह वारदात बुधवार की रात करीब 1 बजे हुई। मारे गए गौ सेवक का नाम नेत्रपाल है, जबकि हारून गंभीर रूप से घायल है। नेत्रपाल के भाई चरण सिंह का कहना है कि जिस वक्त यह हमला हुआ वहां 3 लोग मौजूद थे। उसने किसी तरह बचकर भागते हुए गांव में इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस आने तक ग्रामीण उधर जाने का साहस नहीं जुटा पाए। मृतक के भाई चरण सिंह का यह कहना है। यहाँ में हम लोग उधर में सोए हुए थे तीनों भाई, मतलब मैं जगता था जी रात के 2 बजे तक, तो मैं जग कर मोबाइल चलाया हुआ था तो उसी से अपना टाइम पास करता था। तो जैसे वो लोग आए हमारे पास, 5 आदमी पहुँचे, तो 5 आदमियों ने आते के साथ ही उन दोनों पे, जो मैं बीच में था, जो साइडों पे थे उसमें दोनों पे मारना शुरू कर दिया जिन्होंने। वो रोने लगे चिल्लाने लगे जी, उनको दोनों को पकड़ के हुए फिर यहाँ में लिया, यहाँ में आकर के उन्होंने गोली मारी जी। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर मेरी समझ में तो 5 ही दिख रहे थे जी मुझे, और आगे का किसी तरह की कोई रंजिश चल रही है? नहीं, कोई हमारी रंजिश नहीं। अच्छा, हमला किस तरह से? हमला चाहते नहीं है, यहाँ में कोई नहीं चाहता जी कि ये गौशाला यहाँ में चलावे या गौशाला चले यहाँ। कौन से हथियार से हमला किया? चाकू से, पिस्टल से, क्या कुछ देखा? नहीं जी, अब हम नहीं देख पाए। गोली मारी है या चाकू से? कोई गोली मारी जी भाई को, तो मेरे छोटे को तो गोली मारी है छाती में, यहाँ में गोली मार रखी है। मैंने भी आकर के देखा उसको, हारून को ये नहीं पता लग रहा ठीक से कि गोली मारी है या धारदार हथियार मारे हैं। लेकिन अभी दुर्गा जी बता रहे थे कि डेथ हुई है मेरे भाई की, हुई है नेत्रपाल की छोटे की, जो यहाँ में कार्य करता था। रात मौके पर मौजूद SSP प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी दी। यहाँ सूचना मिली थी अभी गोली लगने की 2 लोगों को, तो एक की तो डेथ हो गई है और एक जो है अभी उनका इलाज चल रहा है। मौके पर यहाँ है एक और व्यक्ति सो रहे थे, उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पे आए पड़ोस गांव के और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आगे जाकर फायरिंग कर दी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम लोग मौके पे आए हैं, सारी तथ्यों का भी जानकारी नहीं हो पाया है, बट इसको सुबह तक पता किया जाएगा कि क्या मामला है इसमें। मौके पर मौजूद SSP प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी मीडिया को दी है। कल रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना संज्ञान में आई थी। वहाँ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और वहाँ पता चला कि एक चरागाह की ज़मीन का विवाद है, जहाँ पे एक गौशाला बनी हुई थी और उसके चक्कर में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और एक व्यक्ति घायल है। इसमें सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, FIR दर्ज भी कर ली गई, जिसमें 6 लोग नेम्ड कराए गए हैं, उसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी प्रथम दृष्टया चरागाह की जमीन का विवाद ही सामने आ रहा है, आगे सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।